नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज हम लोग समझेंगे कि उत्तरदायित्व लेखांकन क्या होता है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय लेखांकन की लागत नियंत्रण से संबंधित एक विशिष्ट पद्धति है। यानी जो भी उत्तरदायित्व लेखांकन है वह प्रबंधकीय लेखांकन की पद्धति है, जिसमें क्या होता है, लागत का नियंत्रण किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि जो भी संस्था में कार्य करने वाले लोग हैं, यानी जो भी मैनेजर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उनका जो भी उत्तरदायित्व है वह क्या है। उत्तरदायित्व लेखांकन लेखांकन की अन्य पद्धतियों जैसे प्रमाप लागत यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी नियंत्रण यानी बजटरी कंट्रोल की तरह ही है, किंतु इसमें व्यक्ति विशेष के लिए उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण की ऐसी पद्धति है जहां लागत को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति विशेष को उत्तरदायित्व का भार सौंपा जाता है। यहां पर कहा जा रहा है कि भाई साहब, किसे लागत पर नियंत्रण करना है, किसी को हम लोग चुन लेंगे और उसे कह देंगे भाई देखो तुम्हें ही लागत पर कंट्रोल करना है, यानी कॉस्ट कंट्रोल तुम्हें ही करना है, और उसी को हम लोग सारा का सारा भार सौंप देंगे। यदि कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित प्रमाप के अनुसार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है जिन्हें यह भार सौंपा गया था, और जो भी पहले स्टैंडर्ड सेट किया गया है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता है, तो अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होने पर तो जो भी जिम्मेदारी होती है उन्हीं की होती है, जिन्हें पहले जिम्मेदारी दी गई होती है उन्हीं को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह बात यहाँ पर कहा गया है। उत्तरदायित्व लेखांकन में व्यक्तियों पर बल दिया जाता है, पद्धति पर नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह। उत्तरदायित्व लेखांकन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यहां पर कुल तीन परिभाषाएं दी गई हैं, तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। पहली परिभाषा है RM भंडारी के अनुसार, वे कहते हैं कि उत्तरदायित्व लेखांकन वह पद्धति है यानी मेथड है जिसके अंतर्गत दायित्व के प्रत्येक स्तर पर लागतें संकलित व प्रतिवेदित की जाती हैं ताकि प्रबंध द्वारा प्रत्येक स्तर पर क्रियाओं एवं लागतों के नियंत्रण के लिए लेखांकन लागत समंकों का प्रयोग किया जा सके। यह डेफिनेशन दिया गया है RM भंडारी के अनुसार, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा है विलियम एल फरेरा के अनुसार, ये कहते हैं कि उत्तरदायित्व लेखांकन का सार उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के अनुसार लागतों एवं आगमों का संकलन, यानी जो भी कॉस्ट लग रहा है और जो भी उससे रेवेन्यू हो रही है उसका संकलन है, जिसमें प्रमापित लागतों यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग व बजटों के अंतरों को उनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या समूह के साथ पहचाना जा सके। यहाँ पर जो भी उत्तरदायी व्यक्ति है उसके बारे में बात की जा रही है। तीसरा है रॉबर्ट एन एंथोनी के अनुसार, डेफिनेशन जो दिया गया वह कहता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय लेखांकन का वह रूप है जो नियोजित व वास्तविक दोनों प्रकार की लेखांकन सूचना को उत्तरदायित्व केंद्रों के आधार पर संग्रहित व प्रतिवेदित करता है। तो यहाँ पर यह डेफिनेशन दिया गया है रॉबर्ट एन एंथोनी के अनुसार। ये कहते हैं कि भाई साहब, ये जो प्रबंधकीय लेखांकन की विधि है, जो भी उत्तरदायित्व लेखांकन है और यहाँ पर नियोजित किया जाता है जो भी दोनों प्रकार की लेखांकन सूचनाएं होती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज समझा कि उत्तरदायित्व लेखांकन क्या होता है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है और यह एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, और यह हमेशा शॉर्ट आंसर में ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें और जान लें। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।